इंडिया, हम है आपके होस्ट रितेश एंड जूनियर डी और ये है दुनिया का इकलौता शो, दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। आपको मिलवाते हैं इस लड़ाई के शार्प शूटर से आ फोर BFFs, यानी बहुत फेमस फ्रेंड्स। ऑन माय लेफ्ट TV शो का चैंपियन, हूज हू ऑफ एंटरटेनमेंट, विकास गुप्ता एंड एस एक्टर करण कुंद्रा। और मेरे राइट में द ऑलवेज राइट, बिंदास एंड बोल्ड, इमोशन का पूरा गोल्ड, रश्मि देसाई एंड तेजस्वी प्रकाश। तेज भाई, As we start the world's biggest debate, ladies versus gentlemen. हमारा पहला सवाल है, कितनी परसेंट बीवियां मानती है कि उनके पति अभी भी अपने माँ के पल्लू से बंधे हुए हैं? आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। परसेंटेज स्लाइडर्स आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सोच समझ के सेलेक्ट कीजिए अपना परसेंटेज। है सही है नहीं? हाँ इतना कर ले। बॉयज, व्हाट्स योर आंसर? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% लड़के अपनी माँ के पल्लू से बंधे हुए बीवियां सोचती हैं कि वो अभी भी उनकी माँ के पल्लू से बंधे हुए हैं, which is actually slightly true also. Mama's boys. Mama's boys. They always are. माँ तो माँ होती है। आप क्या सोचती हैं? Wow. आप इस आंकड़े पे कैसे पहुंची? मुझे लगता है कि भले ही फिर वो मामाज बॉय ना भी हो, हर बीवी को यही लगता है कि हाँ तुम तो हमेशा उन्हीं की साइड लोगे। हाँ तुम्हें तो मेरे हाथ का वो खाना पसंद ही नहीं। एंड शी बिचारी ट्राई टू मेक दैट डिश एग्जैक्टली लाइक योर मॉम, बट इट विल नेवर बी एज गुड एज हर्स बिकॉज़ ऑब्वियसली इट कांट। सो इट्स लाइक ऑलवेज ऐसे हमेशा लगता ही है कि यार ये मम्मी की साइड लेता है। मैं तो डेली सोप करती हूँ तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बट आई थिंक 30% जो नहीं किया वो थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज भी होती है यार। तो मुझे ऐसा लगता है दैट 100% लड़के अपनी माँ की ज्यादा सुनते हैं बिकॉज़ वो इमोशनली ब्लैकमेल करती है उनको। माँ ब्लैकमेल करती लड़कों को अगेंस्ट, वो करती हैं। हाँ हाँ, और ये जनरेशन बाय जनरेशन होता है। हर माँ को अपनी बहू में प्रॉब्लम होती है कुछ ना कुछ जी, और फिर वही जो बहू ने सब कुछ झेला होता है, जब वो सास बनती है फिर उसको प्रॉब्लम होती है। ऑफ कोर्स उनकी प्रायोरिटी उनका बेटा ही होता है, उनकी बहू की प्रायोरिटी भी बेटा ही होता है, तो बेटा बेचारा वही पिसता है। चलो आइए देखते हैं इंडिया की सोच क्या है। 100% इंडिया की सोच है 64%। इस सवाल के लिए लेडीज, आप इंडिया की सोच से थोड़ा क्लोज है, यानी जेंटलमैन की सोच से तो बहुत ज्यादा क्लोज है। हम तो माँ के बच्चे हैं ना, माँ होती है, मा, मा, और माँ मा शो भी देख रही है। डर भी लगता है माँ से। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कितने परसेंट मर्दों को एक फीमेल बॉस को रिपोर्ट करने में एतराज है? एंड योर 15 सेकंड्स स्टार्ट नाउ। परसेंटेज स्लाइडर्स आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सोच समझ के सेलेक्ट कीजिए अपना परसेंटेज। 60%। Let's see क्या है जेंटलमैन का जवाब। डिटो, कॉपी पेस्ट। 60%। लेडीज, आपको लगता है कि मेन रियली हैव ट्रबल रिपोर्टिंग टू अ फीमेल बॉस? हाँ मुझे लगता है। कैसे लगता है? स्पेशली बहुत बार ये भी लगता है कि इफ द गर्ल इज यंगर टू हिम ऑल द मोर। अच्छा, कि मतलब वो लड़की छोटी भी है फिर भी उसकी ऑलरेडी बॉस है, तो ये बहुत उनकी ईगो पे आ जाता है।
I wrote 50 because औरतें is quite very well organized in their life and I think मुझे working field पे वो ज़्यादा थोड़ी aggressive भी लगती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि most of the men doesn't want to give that a chance कि वो उन्हें कुछ बोले return में, because for few it becomes their self respect के एक औरत के मुँह से नहीं सुनना है, which I have experienced once in my life. मुझे लगता है कि ये self respect का issue नहीं है, ये ego का issue है. मेल ईगो का इशू है कि वो लोग अपने बॉसेस से कुछ हैं जो ऑर्डर्स ले सकते हैं, लेकिन जब गालियां सुनानी होती है ना तब उनकी ईगो पे आ जाता है. अ लॉट ऑफ मेन, मैंने ऐसी फीमेल बॉसेस देखी हैं जिन्हें जान बूझ के ऐसे एग्रेसिव होना पड़ता है. करेक्ट, क्योंकि लोग उनको सीरियसली नहीं लेते. ओके, आई थिंक इट्स मोर टू डू विद जो मेल शोविनिस्ट वाली तबीयत होती है ना, जहां पर एक इंसान जब ऑटो भी चला रहा होता है या ड्राइव भी कर रहा होता है और उसको अगर अथॉरिटी से पीछे authority. एक लेडी बोल दे कि आप धीरे चलाओ गाड़ी. आई हैव हैड एन एक्सपीरियंस जहां उसने पर मेरी गाड़ी से उतर. या बिकॉज उसकी अथॉरिटी चैलेंज हो गई ना. अथॉरिटी चैलेंज होगी ना, ही इज अ ड्राइवर, ही इज एक्चुअली टेकिंग पीपल. बट जो ईगो की जगह जो शोविनिस्ट एटीट्यूड नहीं होता जिस पे आप ग्रो अप करते हो, दैट वुमेन कैन नॉट एवर टेल यू राइट और रॉन्ग, वो बहुत ज्यादा निकल जाता है. क्या है कि इवेंचुअली हर घर में एक तरह की अपब्रिंगिंग होती है, एक तरह का माहौल होता है जिसकी वजह से आपकी सोच एक जैसी बन जाती है. करेक्ट, पर यू नो वी हैव हैड सच सक्सेसफुल फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, ओके, लीडर्स वर्ल्ड ओवर. अगर अपनी इंडस्ट्री में देखो तो एकता कपूर है जो इतनी सक्सेसफुल रही है, एंड देयर हैव बीन ग्रेट वुमेन लीडर्स, चाहे वो जयललिता जी हो या ममता बनर्जी हो या मायावती जी हो या इंदिरा गांधी जी हो. तो यू नो देयर हैज बीन ग्रेट अथॉरिटी. और क्या है, एक होता है डिमांड रिस्पेक्ट और कमांड रिस्पेक्ट. ये दो चीजों में आपका पलड़ा किस पर भारी है उस पर भी डिपेंड करता है. बट ये रही यू नो जेंटलमैन लेडीज की सोच, आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच. इंडिया की सोच है 56%. इस सवाल का सही जवाब है 60%. We all win. BFFs, आप दोनों का आंसर मैच करता है इंडिया की सोच से. I think that's amazing. Well done. Yay! Moving on to the next question. कितने परसेंट मर्दों को लगता है कि औरतें साड़ी में सबसे हॉट लगती है? आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं. आप परसेंटेज स्लाइडर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से अपना परसेंटेज चूज कीजिए. इसके लिए थोड़ा ज्यादा वक्त नहीं चाहिए. नहीं, अच्छा विजुलाइज कर लेते. सॉरी, दैट अलाउ. तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज. मुझे मालूम था 80%. वेल डन. लेट्स सी व्हाट द जेंटलमैन हैव टू से. हमारी तो शक्लों भी आ गए. ओके, 90%, 80%. वाओ, आपने कहा कि मेरे चेहरे पे ही दिख रहा है, मतलब क्या? मतलब हमें पता था ऐसा कुछ आएगा. हम मतलब वो 80% इसलिए लिखेंगी जी क्योंकि वो 10% कम करेंगी हमसे. हमने 10% इसलिए कम किया, कुछ छिछोड़े और भी होते हैं. आपने कहा कि 10% कम कर दे. 10% ना बहुत ही वियर्ड लोग होते हैं. वो वियर्डनेस जो होती है ना. व्हाट डू यू मीन बाय वियर्डनेस? कुछ आदमी औरतों को ह्यूमन की तरह नहीं देखते हैं. दे सॉ इट ऑब्जेक्टिफाई. जब आप किसी औरत को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे होते हो तो आप ये नहीं सोचते कि वो साड़ी में अच्छी लगती है या किसी और चीज में अच्छी लगती है. आप बस ऑब्जेक्टिफाई करते हो उनको. ये तो सवाल ही नहीं है. नहीं, but that is a perspective that you have. पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सवाल है कि साड़ी में अच्छी लगती है या साड़ी में अच्छी नहीं लगती. करेक्ट, या फिर अगर साड़ी नहीं तो वेस्टर्न क्लोज में होंगी या सलवार कुर्ता में होगी या वॉट एवर अदर आउटफिट. तो आई एम स्लाइटली कंफ्यूज अबाउट 10% छिछोरे. हाँ, मैं भी. What I meant by that was, it's a little darker thing. Connotation. हाँ, connotation मतलब वो ये नहीं देखते किसी ने बुर्खा पहना था या स्कर्ट पहनी थी, क्या पहनते थे. जब रेप हो रहा होता है, they have nothing to do with वो हॉट लग रही है नहीं लग रही किस कपड़े. There's a population of that kind of men. और surprisingly बहुत सारे लोग हैं ऐसे हमारे around. I guess this is probably some another discussion, another unrelated to the question. आपको क्या लगता है? I have written 90. 90.
सही बोल रही है, सही बोल रही है, सही बोल रही है। चेहरे पे कॉन्फिडेंस हुई, आई हैव रिटन 90। आई थिंक ज्यादातर इंडियन मैन साड़ी में वो अपने पार्टनर्स को देखते हैं, एक फ्रेशनेस आ जाती है उनके बीच में, इट्स वेरी अपीलिंग अकॉर्डिंग टू मी। यस, एंड द वुमेन वो इतनी डेलिकेट लगने लगती है सडनली, हर बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग बिकम्स सो द ग्रेसफुल इज द राइट वर्ड आई वुड से। जी तो मैं बोलो काटे नहीं कटती yeah. ये बिल्ली, एंड दैट चांदनी वाला सॉन्ग वेयर शी वेयर येलो साड़ी, ओ माय गॉड, टिप टिप तो बरसा दो थोड़ा सा, टिप टिप बरसा पानी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे को इसकी जरूरत ही नहीं थी, हमारे शक्लों में सौ सौ लिखा हुआ था। तेजस्वी आपका क्या कहना है? मेरा 80% है, बिकॉज किसी किसी को लगता है कि साड़ी में अच्छी लगती है, पर बहुत से लड़कों को ना जूतियाँ और वो ना झुमके, अच्छे से सूट हो, यू नो फुलकारी पहनी हो, वो अच्छा लगता है। किसी किसी को शॉर्ट्स में अच्छी लगती है, सम गाइज वांट द गर्ल्स टू बी ऑलवेज टिप टॉप। ये सर्वे कब किया था आपने कि कुछ लड़कियों को झुमके अच्छी लगती है कुछ? जब तक आप ये सवाल समझ जाते तब तभी कर रही थी मैं सर्वे। Agreed, I agree to disagree completely. I don't care who agree, you don't agree. You don't agree. You don't care. It's so so insulting. This is for you, not for me. TV पे ऐसे shows भी आते हैं जहाँ पर debates होती है. I think हमारा ये show उसी के बारे में है. सबके अपने अपने experiences हैं. Correct. अरे साड़ी पे आओ यार वापस. कहाँ जा रहे हो यार? हाँ साड़ी पे आओ. Where are you going? इतने pleasant visual था. इतनी सारी बातें यहाँ पर हो रही है. इसी पर देखते हैं कि क्या है इंडिया की सोच. यानी इंडिया की सोच है 77%. इस सवाल का सही जवाब है 80%. Say what? इस सवाल के लिए लेडीज यू हैव किल्ड इट, यू आर द विनर। वो दादा मेरा सर्वे काम आया दादा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।